मस्ती से बच्चों की कभी कोई हानि नहीं हो सकती। बच्चों की भी भ्रांति है और तेरी भी भ्रांति है। गैर मस्ती से हानि होती, मस्ती से तो बच्चे भी धीरे धीरे मस्त होना सीख जाएंगे। तू मस्त रहेगी, गाएगी, गुनगुनाएगी, नाचेगी, कैसे इससे हानि होगी। हां, लेकिन मैं तेरा प्रश्न समझा, तेरे बच्चों का भाव भी समझा। तू जितना ध्यान बच्चों को देती रही होगी उतना अब नहीं दे पाएगी, और बच्चों के अहंकार को चोट लगती। बच्चे ध्यान मांगते, ध्यान की मांग अहंकार की मांग है, इसे समझ लेना। ध्यान की मांग अहंकार की बड़ी अनिवार्य जरूरत है, इसके बिना अहंकार जी ही नहीं सकता, यह अहंकार का भोजन है। इसलिए तुम्हें अगर बहुत लोग तुम्हारे प्रति ध्यान दें तो अच्छा लगता है। तुम आओ और कोई ध्यान ही ना दे, तुम आओ और चले जाओ, कोई जयराम जी भी ना करे, राह से गुजरो और कोई देखे भी ना तुम्हारी तरफ, आदमी तो आदमी, कुत्ते भी ना भौंके, तो तुम बड़े उदास हो जाओगे, तुम बड़े हताश हो जाओगे कि हुआ क्या है, कुछ तो हो। इसलिए तो लोग कहते हैं कि अगर नाम ना हो तो कोई हर्ज नहीं, बदनामी हो जाए मगर कुछ तो हो। बदनामी हो भी होगी तो कुछ नाम तो होगा, लोग चर्चा तो करेंगे, लोग चाहते हैं चर्चित हों, ध्यान दिया जाए। इसलिए तो राजनीति की इतनी पकड़ है दुनिया में, राजनीति का इतना बल क्या है, आकर्षण क्या है, राजनीतिक को मिल क्या जाता है, हजारों लाखों लोगों का ध्यान मिल जाता है, उससे अहंकार की तृप्ति होती। इतने लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री, मैं राष्ट्रपति, इतने लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं कुछ खास। छोटे बच्चों में ही ये यात्रा शुरू हो जाती। तुमने देखा होगा घर में मेहमान आए और बच्चों को तुम कह दो कि जरा शांत रहना, घर में मेहमान आ रहे हैं। जो बच्चे अभी शांत ही थे वो भी अशांत हो जाते। मेहमान आए नहीं कि बच्चों ने उपद्रव शुरू किए नहीं। कोई आके खड़ा हो जाएगा, कहेगा मुझे भूख लगी, कोई कहेगा मुझे प्यास लगी, बच्चे लड़ने लगे। वो मेहमानों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सारा ध्यान तुम्ही लिए ले रहे हो, हम भी हैं यहां। वो घोषणा कर रहे हैं अपने होने की, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ना समझा जाए कि हम नहीं। वो पैर पटक पटक के घोषणा करेंगे, वो सामान तोड़ देंगे, आवाज करेंगे, चीजें गिराएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, राजनीति शुरू हो गई। यही तो लोग हैं जो कल मुरारजी देसाई बनेंगे इत्यादि इत्यादि, ये यही लोग हैं, यहीं से राजनीति शुरू हो गई। बच्चे ने एक मांग शुरू कर दी कि मेरी तरफ ध्यान दो, और बच्चा ये जानता है कि जब घर में मेहमान आ गए हैं तो ध्यान जल्दी मिलेगा, क्योंकि मेहमान क्या कहेंगे। तो मां घबराती, जो खिलौना चाहिए खिलौना ले लो, पैसा ले लो, बाहर चले जाओ, कुल्फी खरीदो, घूम फिर आओ, अभी जो भी मांग की जाएगी वो भरी जाएगी, क्योंकि मेहमान जो मौजूद है। अभी मेहमानों के सामने मां इतना उपद्रव बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, किसी तरह खुशामत करेगी बच्चों की। मेहमानों के चले जाने पर तो बच्चे भली भांत जानते हैं कि पिटाई हो जाएगी। बच्चों को लेकर तुम बाजार चले जाओ, वो सड़क पर अड़के खड़े हो जाएंगे जो घर में कभी नहीं अड़े थे, कि यह तो खरीदना ही है। वो जानते हैं कि अभी बाजार है, भीड़ है, यहां मां के अहंकार को या पिता के अहंकार को भी वो दांव पे लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब तुम्हें भी अपना अहंकार बचाना हो तो खरीद ही लो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। इतने लोग ध्यान दे रहे हैं, तुम बच्चे को दुकान पर ले जाओ, दुकानदार तुमसे भी ज्यादा ध्यान बच्चे को देता है, क्योंकि बच्चा अगर लेने को राजी हो गया तो तुम्हारी प्रतिष्ठा दांव पर है।
तुम भी अपना अहंकार बचाने में लगे हो, बच्चा भी अपना अहंकार बचाने में लगा है। छोटे छोटे बच्चों के भीतर भी वही रोग पैदा हो जाता है जो बड़े होकर बड़ा भयंकर रूप लेगा। तो स्वभावतः वीणा अगर तू मस्त रहेगी, नाचेगी, गाएगी, गुनगुनाएगी, तो बच्चों को ऐसा लगेगा उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन इससे हानि नहीं हो रही, लाभ हो रहा है। तेरे बच्चे राजनीतिज्ञ नहीं बनेंगे, उनके अहंकार की तृप्ति उनका हित नहीं। अहंकार की तृप्ति ऐसी है जैसे कोई खाज को खुजला है। खाज को खुजलाने में पहले तो तृप्ति मालूम होती, नहीं तो कोई खुजलाए ही क्यों। बड़ी मिठास लगती खुजलाने में, बड़ा मीठा मीठा रस आता, लेकिन फिर पीड़ा होती, फिर लहू निकल आता, फिर चमड़ी छिल गई, अब दर्द होता है। हर बार तुमने खुजलाया है खाज को, हर बार दर्द पाया है, फिर भी जब खाज होगी फिर खुजलाने का मन होगा। अहंकार खाज जैसा है, उसको खुजलाने से पहले तो मिठास मिलती, पीछे बहुत कष्ट होता है। इसलिए तेरे बच्चों को अभी शुरू शुरू में तो कष्ट होगा तेरी मस्ती से, क्योंकि उनकी तरफ ध्यान कम हो जाएगा, लेकिन अंततः हानि नहीं होगी। जरा भी सोचना मत कि अन्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है। धीरे धीरे बच्चे भी देखेंगे कि तुझे कुछ मिल गया है, धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आएगा। और बच्चों की समझ बहुत साफ होती क्योंकि निर्दोष होती, अभी आंखों पर पर्दे नहीं होते, अभी सिद्धांतों का जाल नहीं होता, अभी शास्त्रों की गर्द नहीं होती, अभी बच्चों का परिपेक्ष बिल्कुल शुद्ध होता है, अभी उनकी आंख सीधा सीधा देखती, अभी वे इर्छे तिरछे नहीं जाते। जल्दी ही वे देख लेंगे कि मां को कुछ हुआ है, और वे ये भी देख लेंगे कि मां पहले से ज्यादा मस्त है, आनंदित है, रस मुग्ध है। वे भी आतुर होंगे, वे भी इसी की तलाश से भरेंगे। अगर मां या पिता ध्यान करते हो, मस्त होते हो, तो बच्चे कितने दिन तक ध्यान से दूर रह सकते? ज्यादा देर नहीं, क्योंकि बच्चे अंततः मां बाप के पीछे ही चलते। तुम गलत हो तो बच्चे गलत हो जाते, क्योंकि किससे सीखें और, तुमसे ही सीखते। अगर तुम आनंदित हो तो बच्चे भी आनंदित होना सीखेंगे। शायद शुरू शुरू में अड़चन होगी, क्योंकि पुरानी आदत बन गई होगी उनकी, तू अब तक उनकी काफी खुशामत करती रही होगी। जरा उन्होंने मैं तू किया और तू उन पर ध्यान देती रही होगी, अब तेरा ध्यान कहीं और बहरा है, अब बच्चों पर तेरा उतना ध्यान नहीं होगा। तो पुरानी आदत के कारण उन्हें अड़चन होगी, मगर यह सिर्फ आदत के कारण अड़चन हो रही, इसकी चिंता मत लेना। इसके कारण अपनी मस्ती में खलल मत डालना। तेरी मस्ती से उन्हें जितना लाभ होगा, तेरे ध्यान देने से नहीं होने वाला है, क्योंकि मस्ती उनके लिए अमृत हो जाएगी। अगर बच्चा अपने मां और पिता की मस्ती की प्रतिमा अपने भीतर रख सके, तो आज नहीं कल वह भी मस्त होगा। उसके पीछे वह प्रतिमा घूमती रहेगी, उसका पीछा करेगी, उसे लगता रहेगा कि जब तक ऐसी मस्ती मुझे ना मिल जाए तब तक कुछ कमी है, जिंदगी में कुछ चूका हुआ है, मेरी मां तो मस्त थी। अभी बच्चों को यह पता ही नहीं चलता कि उनकी जिंदगी में कुछ चूक रहा है, क्योंकि उनकी मां भी ऐसी परेशान थी, उनके पिता भी ऐसे परेशान थे, उनके मां भी लड़ रही थी, उनके पिता भी लड़ रहे थे, घर में कलह ही कलह थी, वो भी लड़ेंगे। हर लड़की अपनी मां को दोहराएगी, हर बेटा अपने बाप को दोहराएगा, और जब वे लड़ेंगे तुम जरा चौंक के देखना। कभी तुम अपने बड़े हो गए बच्चों के झगड़े देखना, पति पत्नी के झगड़े देखना, तुम चकित हो गए, वे ठीक तुम्हारे रिकॉर्ड है, हिज मास्टर्स वॉइस, वे वही दोहरा रहे हैं जो तुमने किया था, और बड़े ढंग से दोहरा रहे हैं, अक्षर अक्षर, रंग ढंग चेहरे का भी वही हो जाता उनका जब झगड़ते। और वही तुम्हारा बेटा करेगा,
अपनी पत्नी के साथ जो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कर रहा है वीण, तुम जो अपनी बेटे के साथ कर रही हो, जो तुम अपनी बेटी के साथ कर रही हो, वही दोहराया जाएगा, क्योंकि उनके पास और कोई प्रतिमान कहां। हर लड़की अपने मां को दोहराती रहेगी, इसलिए दुनिया विकसित नहीं हो पाती। विकास कैसे हो, पुनरुक्ति होती, हाव भाव सब वही दोहराए जाते। और तुम्हारे बच्चों को कभी पता नहीं चलेगा कि उनके जीवन में कुछ खोया है, क्योंकि उनके पास कोई और मापदंड नहीं है जिससे वो तौले। वो देखेंगे इसी तरह हमारी मां थी परेशान, उसी तरह हम परेशान हैं, इसी तरह हमारी मां लड़ रही थी उसी तरह हम लड़ रहे हैं, इसी तरह हमारी मां कर रही थी उसी तरह हम कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं चल सकता कि जीवन में कुछ खोया है, उन्होंने जाना ही नहीं कोई मस्त आह्लादित जीवन, उन्होंने कोई झलक ही नहीं देखी जब फूल खिले हो, उन्होंने कांटे ही जाने, कांटे ही उनको चुभ रहे हैं, यही भाग्य है, ऐसा मानकर वे जी लेंगे। वीणा तेरे बच्चे सौभाग्यशाली, सबके बच्चे इतने सौभाग्यशाली होने चाहिए कि उनके माता पिता के जीवन में धन पद परिवार से ज्यादा कुछ हो, उनके माता पिता के जीवन में परमात्मा की थोड़ी सी झलक हो, बूंद ही सही, वही झलक उनको पकड़ ले, तो वे तृप्त ना हो सकेंगे साधारण जीवन से। फिर उन्हें कितना ही धन मिल जाए और कितना ही पद मिल जाए, उनके पीछे कोई कचोटता ही रहेगा कि अभी वह बूंद नहीं मिली जो मेरी मां की आंखों में थी, अभी वह मस्ती मुझे नहीं मिली, पाना है उसे, पाना ही होगा, नहीं तो जीवन अकारथ गया, नहीं तो जीवन में कोई अर्थ नहीं है, वह काव्य मुझे मालूम नहीं हो रहा है, तो जरूर कहीं कोई कमी रह गई, कोई तलाश करनी है, कोई खोज करनी। और अगर जैसा वीणा तेरे और तेरे पति के बीच एक रसधार निर्मित हो रही, यह भी तेरे बच्चे देख सके, तो वे भी इस रसधार को अपने जीवन में दोहराएंगे, अपने संबंधों में दोहराएंगे। इसलिए भी मैं कहता हूं कोई सन्यासी घर छोड़ के ना जाए, बच्चे देखें सन्यासियों को, बच्चे देखें सन्यासियों को मां की तरह, पिता की तरह, बच्चे देखें सन्यासियों को सब तरह के संबंधों में, ताकि उनके पास कुछ तो कसौटी हो जाए जिस पे वो अपने जीवन को कसते रहें, और अगर जीवन में कमी हो तो उसे पूरा करने का प्रयास करते रहें। तेरा भाव मैं समझा वीणा, तुझे लगता होगा अन्याय हो रहा है, क्योंकि बच्चे जोर शोर कर रहे होंगे इस बात पे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसी तू फिक्र करती थी कल तक उनकी कि सब बटन ठीक से लगे कि नहीं, और बिस्तर पे कोई सलवट तो नहीं है रात, बच्चे के कपड़े सब साफ सुथरे हैं या नहीं, उसकी किताबें तो नहीं फट गई हैं, घर बैठ के उसने स्कूल से लाया हुआ काम पूरा किया है या नहीं किया है, इस सब पर तेरा ध्यान कम होता जाएगा, तो बच्चों को लगेगा कि उनके अहंकार की तृप्ति नहीं हो रही, इससे पीड़ा होगी, वे शिकायत भी करेंगे, वे तेरे खिलाफ मोर्चा भी खड़ा करेंगे, वे सब संग्रहित हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, वे सब कहेंगे हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मगर मैं तुझसे कहता हूं कि अगर तेरी मस्ती बरसती रही तो अन्याय नहीं हो रहा, न्याय हो रहा है, जल्दी ही वे समझ लेंगे कि उतने ध्यान की कोई आवश्यकता ना थी। सच तो यह है मां बाप जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उस ध्यान से नुकसान हो रहा, लाभ नहीं हो रहा। इस सदी के बच्चे जितने बिगड़े हुए हैं, दुनिया में बच्चे इतने बिगड़े हुए कभी भी नहीं थे, और कारण इस सदी के मां बाप जितनी चिंता कर रहे हैं बच्चों की, उतनी उन्होंने कभी भी नहीं की थी, फुर्सत भी नहीं थी,
समय भी नहीं था, जिंदगी का संघर्ष इतना था। सुबह 5 बजे उठ के चला जाएगा किसान खेत पर काम करने, सांझ होते होते लौटेगा। कहां फुर्सत थी, कहां समय था कि बच्चों के साथ बैठे, कि रेडियो सुने, कि टेलीविजन देखे, कि बच्चों को फिल्म ले जाए। कहां सुविधा थी, कहां समय था। रोटी रोजी पूरी नहीं हो रही थी, बच्चे जल्दी ही प्रौढ़ हो जाते थे। ये तुमने ख्याल किया, अभी भी गांव के बच्चे जल्दी प्रौढ़ हो जाते, क्योंकि छोटी सी बच्ची चली पिता का भोजन लेके खेत की तरफ। उतनी छोटी बच्ची शहर की किसी काम की नहीं, उस पर तुम कोई भरोसा नहीं कर सकते। वो अपनी भोजन ठीक से कर ले वही मुश्किल मालूम होता है, पिता का भोजन क्या खाक ले जाएगी। गांव की छोटी बच्ची घर का भोजन बनाने लगती, अभी तुम्हारी बच्ची को भोजन करना भी नहीं आता, उस पर टेबल पे उसके सामने बैठ के मां को उसको भोजन करवाना पड़ता है। तुम जरा फर्क देखो, जितना छोटा गांव होगा उसके बच्चे उतने ही जल्दी प्रौढ़ हो जाते। चले गाय को चराने, बैल को चराने, दूध लगाने, लकड़ी बीनने, जिंदगी शुरू हो गई। सच तो यह है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिस तरह के बच्चे हम अभी देख रहे हैं, ये केवल 200 साल की उपज है। 200 साल के पहले इस तरह के बच्चे थे ही नहीं दुनिया में। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि जिसको हम अब कहते हैं किशोरावस्था, वह होती ही नहीं थी पहले, क्योंकि 7-8 साल का बच्चा तो काम में लग जाता। अब बच्चा जब 25 साल का हो जाता तब काम में लगता है, और तब भी लग जाए तो सौभाग्य, क्योंकि तो 25 साल बिना काम करने की आदत, 25 साल मुफ्तखोरी करने की आदत, 25 साल तक मां बाप के ऊपर निर्भर रहने की आदत। कोई लंबा छोटा समय नहीं, लंबा समय 25 साल। अगर 75 साल जिएगा तो एक तिहाई जिंदगी हो गई, एक तिहाई जिंदगी तो आदत हो गई निर्भर रहने की। अब अचानक काम और जिम्मेवारी। आज अमेरिका में जो बच्चे हिप्पी हो रहे हैं उसका कारण तुम समझते हो? अमेरिका सबसे ज्यादा समृद्ध है, इसलिए सबसे ज्यादा विकृत बच्चे पैदा हो रहे हैं। समृद्ध होने के कारण जरूर से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा बच्चों पर। बच्चों को साइकिल ही नहीं चाहिए, कार भी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे कार चला रहे हैं। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं उन्हीं से होती, सबसे ज्यादा कार की दुर्घटनाएं 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच के लड़के करते, लड़कियां करती, और सबसे ज्यादा अपराध भी वही करते। सबसे ज्यादा उपद्रव भी 18 और 25 साल के बीच के बच्चे करते। खाली है, ताकत हाथ में आ गई, काम कुछ है नहीं। यूनिवर्सिटी में आग लगाओ, फर्नीचर तोड़ दो, खिड़कियों के कांच तोड़ दो, कुछ तो करना होगा। ये तुम कल्पना नहीं कर सकते थे, क्योंकि 25 साल का पुराने जमाने का आदमी तो बड़ा प्रौढ़ होता था, क्योंकि 7-8 साल का होता तब तो काम में लग जाता है, और भी गरीब घर का होता तो और भी पहले काम में लग जाता। जिम्मेदारियां सिर पे आती तो अनुभव आता, अनुभव आता तो समझ आती। 25 साल का होते होते तो जीवन का इतना अनुभव हो जाता था कि वो इस तरह की मूर्ताएं कर सकता था जो आज के लड़के और लड़कियां कर रहे हैं, असंभव। उसमें एक गुरु गंभीरता आ जाती थी, उसे जीवन का एक पाठ मिल गया होता था। आज हम सोचते हैं बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जीवन के पाठ से हम उनको वंचित रख रहे हैं, और उनका इतनी फिक्र हम कर रहे हैं कि ना वो अपना पजामा का नाड़ा बांध सकते हैं, वो भी मां बांध रही। अब मैं सोचता हूं वीणा की तस्वीर के बांध रही बच्चों के नाड़े, अब भजन भी गा रही होगी तो नाड़ा खुल खुल जाता होगा, नहीं बनता होगा। बच्चे को नाराजगी आती होगी कि ये बात क्या है, पहले नाड़ा बिल्कुल ठीक बनता था, अब रास्ते में खुल जाता है, मां ध्यान नहीं दे रही ठीक से। बच्चों के बस्ते
उनका सामान तू रख रही होगी, अब उनको खुद रखना पड़ रहा होगा, उनको खाना खिलाने के लिए टेबल पे बैठ रही होगी, खाना खा। बच्चे रो रहे हैं आज के, किस लिए रो रहे हैं पूछो उनसे। पुराने जमाने के बच्चे रोते थे कि भोजन चाहिए, आजकल के बच्चे रो रहे हैं कि उनको मां भोजन करा रही, वो उन्हें भोजन नहीं करना, आंसू टपक रहे हैं और मां सामने बैठी कि भोजन करो, उन्हें भोजन नहीं करना या उन्हें यह भोजन नहीं करना, उन्हें आज कुछ और चाहिए कि आज वो जाना चाहते हैं कॉफी हाउस, इडली डोसा या कुछ और। उन पर ध्यान, उनको 24 घंटे ध्यान चाहिए, और इस ध्यान से कुछ लाभ नहीं होने वाला उनको। ये जो जिस लड़के को 25 साल तक उसकी मां ने ध्यान किया है और ध्यान दिया है और हर तरह से उसकी फिक्र की, ये कल विवाहित होकर अपनी पत्नी से भी यही अपेक्षा करेगा और उपद्रव शुरू होगा, क्योंकि उसकी भी फिक्र की गई है और वो अपने पति से ऐसी अपेक्षा करेगी जैसे अपने पिता से अपेक्षा करती थी। कलह शुरू हो जाएगी, पहले दिन से कलह शुरू हो जाएगी, उनकी आकांक्षाएं अपेक्षाएं बड़ी। लड़की चाहेगी कि पति पिता की तरह सारी अपेक्षाएं पूरी करे, पति चाहेगा कि पत्नी मां की तरह सारी अपेक्षाएं पूरी करे। ये कैसे हो सकता है? दोनों की आकांक्षाएं बड़ी, अभिलाषाएं बड़ी, और दोनों ही गिरेंगे क्योंकि दोनों ही पूरा नहीं कर पाएंगे। दुनिया ने इतने तलाक कभी नहीं जाने थे और इतना दुखी दाम्पत्य जीवन कभी नहीं जाना था। उसके कारण थे क्योंकि इतनी अपेक्षा भी नहीं की थी, अपेक्षा का कोई कारण नहीं था। ऊपर से देखने में तो लगेगा कि अगर ध्यान हमने बच्चों पर कम दिया तो नुकसान होगा, ऐसा नहीं। और भी एक बात तुझसे कहूं कि अक्सर हम बच्चों पर ध्यान देते हैं जब बच्चे बीमार होते, परेशान होते, रुग्ण होते। वैज्ञानिक हिसाब से जब बच्चे रुग्ण होते हैं, परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, तब बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ध्यान का गलत संबंध जुड़ रहा है। बच्चा बीमार है तब मां उसके पास बैठकर सिर दबा रही है। अब जब भी इस बच्चे को भविष्य में सिर दबाना होगा, ये बीमार हो जाएगा। पतिदेव घर आके एकदम लेट ही जाएंगे बिस्तर पे, दफ्तर में बिल्कुल ठीक थे, घर आते सिर दर्द हो जाता। वो चाहते कि पत्नी उनका सिर दबाए, पैर दबाए, उनके आसपास खुशामत करे कि वो बड़ा काम करके लौटे, और पत्नी भी, पति जब तक घर नहीं आते तब तक बिल्कुल ठीक मालूम होती, रेडियो सुन रही और अखबार पढ़ रही, और जैसे ही पति आया कि बिस्तर से लग जाती, वो भी चाहती कि पति उसके सिर पर हाथ रखे, क्योंकि पति हाथ ही सिर पर तब रखते हैं जब पत्नी बीमार होती। स्त्रियों ने तो बीमार होने की कला सीख ली, उनको पक्का पता है कि उन पर ध्यान ही तब दिया जाता है। पत्नी बीमार हो जाए तो पति पूछने लगता है कि साड़ी लेनी, क्या करनी, जो करना हो माई करो, मगर बीमार ना हो। पत्नी भी जानती है कि जब बीमार हो तभी पति ध्यान देता, नहीं तो पति अपना अखबार पढ़ता है, ध्यान देने की फुर्सत कहां है। वो आती से अपने पैर फैला के अखबार की ओढ़ में हो जाता, अखबार ओट है वो बचने का उपाय है। पति आते से अखबार खोल लेता है, पत्नी इत्यादि सब उस तरफ छूट गए, झंझट मिटी। अब वो एक ही अखबार को कई दफे पढ़ता है। मैं एक घर में मेहमान था, मैंने देखा कि वो सज्जन सुबह भी उसी अखबार को पढ़ रहा है, दोपहर भी उसी को पढ़ रहा है, शाम को भी जब पढ़ने लगे, मैंने कहा सुनो तुम शुरू से लेके आखिर तक कई बार पढ़ चुके। वो भी थोड़े चौंके एकदम, उनको उन्होंने कहा आप ठीक कहते, मगर ये मेरी रोज की आदत, क्योंकि यही बचने का उपाय है। मैं अखबार पढ़ता रहता हूं, पत्नी कुछ भी कहती तो मैं ऐसा दिखाता रहता हूं मैं सुन ही नहीं रहा हूं, क्योंकि सुनो कि झंझट, सुना कि जेब पे हमला, बहरे हो जाना पड़ता है। ये अखबार बड़ी सुविधा है, इसमें ऐसा लगा रहता है पत्नी समझती मैं अखबार पढ़ रहा हूं।
बच्चों पर जब वे रुग्ण हो तो उनकी सेवा करना लेकिन ध्यान मत देना, इन दोनों में बड़ा भेद है। जो जरूरत हो अपेक्षा पूरी करना, उनकी दवा की जरूरत हो दवा दे देना, उनको कंबल ओढ़ाना हो कंबल ओढ़ा देना, लेकिन ज्यादा उनकी खुशामद मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी खुशामद उनके भीतर बीमारी में न्यस्त स्वार्थ बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उनको लगने लगे कि जब भी ध्यान चाहिए हो तो बीमार हो जाने से मिलेगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया में 70% बीमारियां मानसिक हैं। 70% बड़ा अनुपात है। और ये 70% बीमारियां ऐसी हैं जो तुम चाहते हो कि हो जाएं। तुमने देखा परीक्षा के वक्त बच्चे बीमार हो जाते, परीक्षा के वक्त सारी दुनिया में बच्चों की बीमारियां एकदम बढ़ जाती, क्योंकि बीमारी सुगम उपाय है बचने का, परीक्षा देने की जरूरत नहीं, बीमार है। या अगर देनी भी पड़ी परीक्षा और पास ना हुए तो भी कोई ये नहीं कह सकता कि कोई हमारी भूल हुई, बीमार थे। या अगर तृतीय श्रेणी में आए तो भी चलेगा, क्योंकि बीमार थे, क्या कर सकते हो। ये तो बीमारी बड़ी तरकीब बन गई, और इस आदमी ने बीमारी के साथ संबंध जोड़ लिया स्वास्थ्य की बजाय। मेरी अपनी देशना तो यही है कि जब बच्चे स्वस्थ हों चाहो तो उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देना, मगर जब बीमार हो तो ज्यादा ध्यान मत देना, ध्यान को स्वास्थ्य से जुड़ने दो। जब बच्चे मस्त हों आनंदित हों उनको गले लगा लेना, लेकिन जब बीमार हो तब कंबल ओढ़ाकर उनको सुला देना, ये कठोर मालूम पड़ेगा। ऊपर से तो कठोर साफ ही लग रहा है, लगेगा कि मैं कोई उल्टी बातें सिखा रहा हूं, ऐसे में उल्टी ही बातें सिखाता हूं। लेकिन जब बच्चा बीमार हो तब उसे कंबल ओढ़ा के सुला देना, दवा पिला देना, बस ऐसे जैसे नर्स करती। उस वक्त मात्र तो मत दिखलाना, सुविधा हो तो नर्स ही रख देना, वो ज्यादा अच्छा। लेकिन जब बच्चा प्रसन्न हो आनंदित हो तो कभी उसे गले भी लगाना, उसका हाथ में हाथ लेके नाचना भी, उसका स्वास्थ्य में रस जोड़ो ताकि जिंदगी भर उसका रस स्वास्थ्य में रहे, बीमारी में ना हो जाए। दुनिया की 70% बीमारियां समाप्त हो सकती हैं अगर हम बच्चों का संबंध स्वास्थ्य से जोड़ दें। तो वीणा तू चिंता मत कर, तू मस्त रहे। और इतना मैं जानता हूं कि जो मस्ती ध्यान की तुझे आ रही है वह मस्ती ऐसी नहीं है कि उपेक्षा कर सकेगी तू बच्चों की, क्योंकि ध्यान की मस्ती में प्रेम बढ़ता है घटता नहीं, इसलिए उपेक्षा तो होने ही वाली नहीं। हां जो व्यर्थ की चिंता थी वो कट जाएगी, जो जरूरी है वह निश्चित पूरा होता रहेगा। शायद तू जितना ध्यान देती थी उसमें से 90% बेकार रहा हो जो कि घातक था, और मां बाप इतना ध्यान बच्चों की तरफ क्यों देते हैं इसका भी तुमने कभी विचार किया। मनस्विद कहते हैं अपराध के कारण, चौंकोगे तुम, मां बाप को यह लगता रहता है कि बच्चों के लिए हमें जो करना चाहिए हम नहीं कर पा रहे, ये इससे अपराध भाव पैदा होता है, गिल्ट पैदा होती कि देखो बगल के पड़ोसी ने तो बच्चे के लिए कार ले दी और हमारा बच्चा अभी भी एक फर्टीचर साइकिल पे चल रहा है, हम नहीं कर पा रहे जो हमें करना चाहिए बेटे के लिए, तब क्या करें। तो कम से कम उसकी खुशामद तो कर ही सकते, उसकी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान तो दे ही सकते, अतिशय रूप से उसकी चिंता तो कर ही सकते, इतना तो किया जा सकता है, ये पूर्ति है। लेकिन कोई इस तरह की पूर्ति से लाभ होने वाला नहीं है। और चूंकि हम सच में प्रेम नहीं करते बच्चों को, इसलिए भी अपराध भाव मालूम होता है। तो उस अपराध को छिपाने के लिए हम बच्चों के लिए खिलौने लाएंगे, आइसक्रीम लाएंगे, उन बच्चों को हम बिगाड़ेंगे। वो अपराध भाव से ही पैदा हो रही है बात,
प्रेम बढ़ेगा तो अपराध भाव घट जाएगा, अपराध भाव घट जाएगा तो अपराध भाव के कारण जो जो काम तुम कर रहे थे वो बंद हो जाएंगे, तब जो करने योग्य है, जो जरूरी है वह होगा। और इतना मैं जानता हूं कि ध्यान से जो मस्ती आती है वह मस्ती एक अर्थ में बेहोशी लाती और एक अर्थ में होश भी लाती। वह मस्ती बड़ी विरोधाभासी, होश और बेहोश एक साथ बढ़ता है। और वीणा के संबंध में मैं निश्चिंत होकर कह सकता हूं कि दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, इसलिए कोई भय का कारण नहीं। और तूने यह भी पूछा, यह समझने पर भी उनको समग्रता से प्यार नहीं कर पाती। इस संसार में समग्रता से प्यार तो किसी से भी नहीं किया जा सकता, नहीं तो फिर परमात्मा से क्या करोगे? फिर तो परमात्मा के लिए कुछ भी ना बचेगा। इस जगत में 1% से लेकर 99% तक प्यार किया जा सकता है, लेकिन 100% प्यार इस जगत में किसी से नहीं किया जा सकता। वह तो सिर्फ परमात्मा का अधिकार है, वह तो उसका हक है, वह तो हमें उसी को देना होगा। गुरु से भी 99% प्यार हो सकता है, प्रीति हो सकती है, 100% नहीं। वह पराकाष्ठा है इस संसार में, जो शिष्य गुरु के प्रति अनुभव करता है वह पराकाष्ठा है प्रेम की। 99%, 1% बचा रह जाता है, वह 1% तो परमात्मा के लिए समर्पित होगा। परमात्मा के साथ ही हम समग्र रूपेण एक हो सकते हैं। इसलिए इस तरह के असंभव आदर्श मत बना लेना कि बच्चों के साथ समग्र प्रेम नहीं हो रहा, हो ही नहीं सकता। और अच्छा है कि नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि अगर मां बच्चे को बहुत प्रेम करे, अति से प्रेम करे, तो भी खतरा है। इसलिए प्रकृति ने बड़ा इंतजाम किया हुआ है। अगर मां अपने बेटे को अति से प्रेम करे, इतना प्रेम करे कि बेटे का मन मां के प्रेम से भर जाए, तो यह बेटा फिर किसी और स्त्री को प्रेम ना कर सकेगा, जरूरत ही ना रही, प्रयोजन ही ना रहा, मां ने ही इसका मन भर दिया। मगर यह तो खतरा हो गया, इस बच्चे का जीवन तो उलझ गया। इस बच्चे का जीवन किसी मां के प्रेम से ही समाप्त हो जाए तो इस बच्चे के जीवन में अपना प्रेम कभी पैदा ही नहीं होगा। इसलिए तुम देखते हो मां जितना बच्चे को प्रेम करती, बच्चा उतना प्रेम मां को नहीं कर सकता। यह स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चे को किसी और को प्रेम करना, आगे यात्रा जानी है जीवन की, पीछे नहीं जानी। इसलिए कोई मां बाप ये अपेक्षा ना करें कि हम जितना प्रेम बच्चों को करते हैं उतना ही बच्चे हमें करें। अगर उतना ही प्रेम बच्चे तुम्हें करेंगे तो फिर अपने बच्चों को क्या करेंगे? तुम अपने बच्चों को प्रेम कर रहे हो, कभी तुमने ख्याल किया कि इतना प्रेम तुमने अपने मां बाप को किया था? तब तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। वीणा अपने बच्चों को प्रेम कर रही, इतना प्रेम कभी अपने मां बाप को किया था? इतना प्रेम? लेकिन तुम्हारे मां बाप ने इतना ही प्रेम तुम्हें किया था। ये तो गंगा आगे बहेगी। मां बाप बच्चों को करेंगे, बच्चे अपने बच्चों को करेंगे, उनके बच्चे उनके बच्चों को करेंगे, ऐसे जीवन आगे जाएगा। नहीं तो पीछे की तरफ जीवन जाने लगे तो घातक हो जाएगा। कभी कभी ऐसी रुग्ण दशा हो जाती है, मां इतना प्रेम करती है बेटे को कि बेटा अपराध अनुभव करने लगता है, किसी और स्त्री के प्रेम में पड़ना मतलब मां के साथ गद्दारी। ऐसी माताएं हैं जो समझती हैं कि गद्दारी, इसलिए तो सास और बहू में कलह बनी रहती। सास बहू की कलह सारी दुनिया में चलती, उस कलह के पीछे बड़े कारण। वह सामान्य मामला नहीं, वो किसी एक स्त्री का मामला नहीं, वो सारी सास और बहुओं का मामला है। क्यों? क्योंकि सास ने अपने बेटे को प्रेम किया था, इतना प्रेम किया था, और आज ये बेटा गद्दार हो गया। ये आज उसकी नहीं सुनता, एक अजनबी औरत की सुनता है। मां जिस बेटे को बनाने में 25 साल लगाती है, बुद्धिमान बनाने में 25 साल, उसको कोई स्त्री 5 मिनट में बुद्धू बना देती।
अब मां को चोट ना लगे तो और क्या हो। और ये सज्जन चले, ये अपनी पत्नी की सुनते हैं। आप अगर मां और पत्नी के बीच विरोध हो तो ये पत्नी की सुनेंगे। पत्नी की सुननी भी चाहिए, क्योंकि इसी तरह जीवन आगे जाएगा, इसमें कुछ अनहोना नहीं हो रहा है। लेकिन मां की अपेक्षा गलत है, मां की आकांक्षा गलत है। मां बच्चे को बुरी तरह घेर लेना चाहती, कुछ बच्चे घिर जाते। जो बच्चे अपने मां के प्रति बहुत प्रेम से घिर जाते वो किसी स्त्री को प्रेम नहीं कर पाते, उनका जीवन बड़ा उदास हो जाता है। और भी कई तरह के उपद्रव उनके जीवन में होंगे। अगर वो किसी स्त्री के प्रेम में किसी तरह अपने को डाल भी देंगे तो भी उनकी मां सदा बीच में खड़ी रहेगी, और वो सदा तौलते रहेंगे कि ये स्त्री उनकी मां के साथ मेल खाती या नहीं। कौन स्त्री उनकी मां के साथ मेल खाएगी? उनकी मां जैसी और कोई स्त्री दुनिया में है भी नहीं, हो भी नहीं सकती। बस जहां जहां मां से कम पड़ेगी, भिन्न पड़ेगी, वहीं गलत हो जाएगी। मां जैसा ही भोजन पकना चाहिए, मां जैसे ही कपड़े बनाए जाने चाहिए, मां जैसा ही घर सजाया जाना चाहिए। ये कौन स्त्री करेगी, कैसे करेगी? और ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, ये भीतरी अपेक्षाएं, तो फिर कलह और संघर्ष। नहीं, बच्चों को उतना ही प्रेम देना जितना सहज स्वाभाविक है। समग्रता की व्यर्थ आकांक्षा मत करो, स्वाभाविक का भाव रखो, समग्र का नहीं। बस स्वाभाविक जितना है उतना प्रेम उचित है। बच्चों की चिंता करो, उनके स्वास्थ्य की फिक्र करो, उनके भविष्य की फिक्र करो। वे जीवन में अपने पैरों पर जल्दी खड़े हो जाएं, अपनी यात्रा पर निकल जाएं, इसकी फिक्र करो। और तुम्हारी फिक्र इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि वे कमजोर रह जाएं, क्योंकि अतिशय फिक्र कमजोर कर देगी उनको। जैसे कोई मां अपने बेटे का हाथ पकड़ के चलाती ही रहे, उसे चलने ही ना दे कभी अपने पैरों के बल। मैंने सुना है एक दंपति अपनी कार से उतरा, सामान उतारा गया होटल में, फिर उस महिला ने आवाज दी कि चार नौकर भेजे जाएं, बेटे को उतारना है। बेटा होगा कोई 14 साल का, उसको भी उतारा गया। नौकर तो बहुत चकित हुए और नौकर बड़े दुखी भी हुए, क्योंकि बेटा बड़ा सुंदर था। और उनमें से एक नौकर ने कहा, इतना सुंदर प्यारा बेटा और चल भी नहीं सकता? उस स्त्री ने कहा, क्या कहा तुमने, चल क्यों नहीं सकता? लेकिन चलने की कोई जरूरत नहीं, अपंग नहीं है मेरा बेटा, लेकिन चलने की कोई आवश्यकता नहीं, गरीबों के बेटे चलते। अब ये तो खतरनाक मामला हो गया। अगर गरीबों के बेटे चलते और अगर मां इतनी अमीर है कि अपने बेटे को चलाने की कोई जरूरत नहीं, नौकरों से उठा कर ले जा सकते हैं स्ट्रेचर पर, तो ये तो खतरनाक हो गया, ये अतिशयोक्ति हो गई। लेकिन बहुत सी माताएं ऐसी अतिशयोक्ति कर लेती। हम अपनी मूर्छा में बहुत सी अतिशयोक्तियां करते। नहीं, स्वाभाविक रहो, समग्र की कोई बात मत उठाओ। समग्र प्रेम तो होगा परमात्मा से, उसकी दिशा में वीणा गति शुरू हो गई, वही तो मस्ती आ रही, वही तो झलक आ रही। लेकिन मेरी बातों का अर्थ ऐसा मत समझ लेना कि मैं कह रहा हूं बच्चों के प्रति कठोर हो जाओ। जीवन में बड़ा संतुलन रखना जरूरी है, ना तो अति प्रेम ना उपेक्षा, मध्य। और जो मध्य को खोज लेता है उसे जीवन की कुंजी मिल जाती। जैसे नट चलता है रस्सी पर, ठीक मध्य में संभाल के अपने को, कभी थोड़ा बायां झुकता, कभी थोड़ा दायां, लेकिन दायां झुकता है इसलिए कि बाएं गिर ना जाए, बाएं झुकता है इसलिए कि दाएं गिर ना जाए, बस झुक के अपने संतुलन को बना लेता है और बीच में चलता जाता है। ऐसे ही जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को मध्य को संभालना चाहिए। बुद्ध ने कहा है मध्यम निकाह है, बीच में जो चलना सीख ले वह सत्य तक पहुंच जाता है।
जीवन की हर प्रक्रिया में बीच में चलना सीखो, ठीक मध्य में होना स्वर्ण सूत्र है। ना तो अति प्रेम में पड़ जाना, क्योंकि अति मिठास सड़ान पैदा कर देगी। ना अति उदास हो जाना, क्योंकि अति कड़वाहट हानिकर हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी। और यह संतुलन प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही ढंग से खोजना होता है, इसके लिए कोई बंधे हुए सूत्र नहीं दिए जा सकते। मैं नहीं कह सकता कि ठीक बंधा हुआ ऐसा सूत्र, क्योंकि हर स्थिति में यह संतुलन अलग अलग होगा। किसी दिन बच्चा बीमार है, उस दिन थोड़ा बायां झुकना होगा। किसी दिन बच्चा प्रसन्न है, उस दिन थोड़ा दायां झुकना होगा। किसी दिन बच्चे की जरूरत कुछ और है, किसी दिन जरूरत नहीं है। प्रतिदिन प्रतिपल जरूरतें बदलती, और जरूरतों के बदलने के साथ व्यक्ति को सम्यक रूपेण बदलते रहना चाहिए। इसको ही मैं सम्यक प्रेम कहता हूं। इसका ही ध्यान रखो कि बच्चे का हित हो सके, कल्याण हो सके, बच्चा अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हो, स्वतंत्र हो, व्यक्तित्ववान हो, आत्मवान हो, शांत हो, मस्त हो, परमात्मा का तलाशी हो। बस इतनी बातें ख्याल में रहें, इन्हीं को सूत्र मान के चलते चलते न केवल बच्चों को तुम ठीक राह दे सकोगी, बच्चों को ठीक राह देते देते तुम्हें भी ठीक राह मिल जाएगी।